तो गाइज अभी मैं सिंचन चौब भाई खड़े भाई मिलिट्री बेस के सामने, और गाइज हम भाई यहाँ पर ना 5 मिनट से खड़े हैं और कंटिन्यू गाइज कभी कोई प्लेन उड़ जाता है, कभी कोई सा हेलीकॉप्टर, और साथ ही साथ में गाइज यहाँ से भाई फाइटर प्लेन भी भाई बार बार उड़ रहे हैं और साथ ही साथ में लैंड भी हो रहे हैं। मुझे लगता है फ्रेंगल भाई यार मिलिट्री बेस पे ना फ्रेंगल भाई एयरपोर्ट से भी ज्यादा प्लेन और हेलीकॉप्टर है। हाँ सिंचन वो तो हम देख ही पा रहे हैं गाइज, 5 मिनट हुए हमको यहाँ पर खड़े हुए और गाइज पता नहीं यार कितने प्लेन उड़ गए होंगे और कितने प्लेन भाई लैंड भी कर गए होंगे। और आप तक सोच रहे होंगे गाइज आखिरकार मैं सिंचन चौब आज तीनों के तीनों भाई रेडियो के जा कर रहे हैं, तो गैस हम तीनों जा रहे हैं भाई कैंपिंग करने के लिए, वो भी गैस हम ना भाई अपने घर से निकले हैं पूरे के पूरे 2 दिन के लिए। हाँ गैस 2 दिन तक भाई कंटिन्यू हम रहने वाले हैं बाहर, अपने घर पे जाएंगे भी नहीं। और गैस आप लोग सोच रहे होंगे आज हमारे साथ यार ये चौप कैसे चले गया। गैस चौप को ना मैंने मनाया पूरे के पूरे 2 घंटे जब जाके ये मनाया है ना चौप। अब बात मैं क्या कह रहा हूँ, बात मेरे को आ रही है पोटी, चौप के बच्चे घर पे भी तेरे को यही काम रहता है और यहाँ पर ट्रिप पे भी तेरे को यही काम है। और गैस आपको पता है अभी तो भाई हमको इस पहाड़ पे भाई काफी ऊपर जाना है, हम जा रहे हैं गैस माउंट चिलियर्ड और माउंट चिलियर्ड के टॉप पर ही गैस हम भाई टेंट लगा के रहने वाले हैं पूरे के पूरे 2 दिन तक वहीं पे। और गैस फुल टू फुल अलग ही एक्सपीरियंस होगा हमारा तो। हाँ फ्रेंगल भाई यार बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा क्योंकि फ्रेंगल भाई हम घर से यार बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं और साथ ही साथ में फ्रेंगल भाई वहाँ पर टॉप पर तो फ्रेंगल भाई जानवरों का भी खतरा है ना। हाँ सिंचन जभी तो भाई मैं अपने सारे के सारे वेपन लेके आया हूँ भाई घर से। और गैस वहाँ पर भाई 2 दिन के अंदर अंदर हमको काफी अलग ही भाई एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। जैसे गैस डेली भाई सिंचन सुबह उठ के भाई स्कूल जाता है तो गैस वहाँ पर सिंचन को स्कूल नहीं जाना और नहीं गैस किसी होमवर्क की टेंशन, और गैस साथ ही साथ में मुझे भाई कोई भी जॉब वगैरह की टेंशन भी नहीं रहेगी। वहाँ पर हम तो भाई फुल टू फुल मजे करने वाले हैं। और आपको बताया गैस मैं लेके आया हूँ भाई अपने साथ ये ऑफ रोडिंग कार, जो गैस मेरा पूरा का पूरा साथ देने वाली है। ये कार सिंचन हमको कभी भी भाई धोखा नहीं देगी। और गैस आप लोग यार फटाफट से कमेंट करके बताओ आखिरकार गैस हमारी इस कार में भाई कितने टायर है। हाँ गैस जल्दी से भाई आप लोग कमेंट करके बताओ इस कार में है कितने टायर। और साथ ही साथ में गैस आप वो जो सामने भाई देख रहे हो वहां पर हमको टॉप पर जाना है वो है गैस माउंट चिलियर्ड। और वहां पर टॉप पर जाकर गैस हमको पूरे 2 दिन बिताना है। अभी तो सिंचन हमको काफी ज्यादा लंबा सफर करना है भाई साहब। सिंचन सच में अभी तो हमको नीचे जाना होगा, फिर हमको सिंचन वो पुल क्रॉस करना होगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। गैस यार ये देखने में भाई थोड़ा बहुत ईजी लग रहा है लेकिन गैस वहां पर जाते जाते ना हमको पक्का गैस रात हो ही जाएगी। और वीट वीट गैस वीट सामने की तरफ सिंचन मेरे को मीज बैंक की बिल्डिंग दिख रही है भाई अपने उधर की। अरे हाँ वो तो फ्रेंगल पे मीज बैंक की बिल्डिंग है। ये आवाज तो मुझे ऊपर से आ रही है, जाकर देखना पड़ेगा वहाँ पर कौन है। वहाँ पर कोई तो है, वहाँ पर गाड़ी भी दिखाई दे रही है। जल्दी जाना होगा और इनको बोलना होगा कि यहाँ से ये जल्दी से जल्दी निकले। हेलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ वेट यहाँ पर कोई इंसान भी रहता है भाई साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे वो तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, यहाँ पर तुम क्या हरकत कर रहे हो? अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो अब तक तो तुमको लेपर्ड निकल भी जाता, और तुम्हारे साथ तो ये डॉग भी है। डॉग की महक से तो लेपर्ड काफी जल्दी आते हैं। अरे भाई तू हमारी टेंशन को ले रहे, तू अपनी टेंशन ले भाई, तू यहाँ पर अकेला है और हम 3 है भाई। और तुम यहाँ फोटो खींचने के लिए आए हो क्या? ये जगह फोटो खींचने की नहीं है, यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ पर लेपर्ड रहते हैं। अरे भाई तू हमें क्यों समझा रहे, लेपर्ड सिर्फ हमको ही खाएगा क्या भाई? तेरे को नहीं खाएगा क्या? मेरे को नहीं खा सकता क्योंकि मेरे हाथ में, गौर से देखो, मेरे हाथ में एक ऐसी चीज है जिसे लेपर्ड देख के भागता है, लेकिन तुम्हारे पास वो चीज नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास हूँ। जल्दी यहाँ से निकल जाओ जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ, जब तक लेपर्ड नहीं आएगा, वरना तो लेपर्ड आ जाएगा, ये पूरा इलाका लेपर्ड का ही है। गाइस वैसे देखा जाए तो भाई ये एरिया गाइस मेरे को भी ठीक तो लग नहीं रहा है, और यहाँ पर नीचे जस्ट हमारा छोटा सा गांव है, इसलिए मैं तो यहाँ पर टहलता रहता हूँ। तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो। अरे हाँ फ्रेंगल भाई यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा, जल्दी बैठ सिंचन फटाफट से। वैसे भी गाइस मेरे को जो फोटो क्लिक करने थे वो सारे के सारे फोटो मैंने क्लिक कर लिए। अच्छा हुआ सिंचन ये बंदा भाई अपने पास आ गया, वरना सिंचन आज तो भाई चौप चले ही जाता। ओ बात सब बोले तुम्हें क्या लगता है लेपर्ड बात सबसे पहले मेरे को ही खाएगा क्या? तुम्हें नहीं खाएगा। अबे चौप के बच्चे नीचे देख भाई, नीचे देख गैस, ये चेक करो भाई लेपर्ड ये रहा। बढ़िया गैस वो तो अच्छी बात है, हम गाड़ी में हम सेफ है। अरे हाँ चौप बेटे तू तो सेफ भी नहीं है, तुझे भाई साहब लेपर्ड निकल ही जाएगा। ओ बात फिर तो एक काम करो तुम बात साहब, मेरे को घर पे छोड़ के आ जाओ। अबे चौप घर से हम काफी दूर आ गए, मैं तेरे को तुझे क्या लगता है घर छोड़ने जाऊंगा? बिल्कुल नहीं भाई। और गैस अपनी कार चेक करो भाई, क्या स्पीड से नीचे की तरफ जा रही है भाई, गलती से ही बस उल्ट पुलट मत हो जाइए, उसके बाद चौप का पता नहीं क्या होगा। और ये चेक करो चौप को कुछ हुआ तो नहीं? अरे बच गया चौप के बच्चे भाई साहब बच गया। और वैसे भी चौप तू भाई टेंशन मत ले, मैं तेरे को भाई कुछ होने नहीं दूंगा। और साथ ही साथ में गैस अपने पास काफी सारे वेपन है, अगर गैस लेपर्ड अपने पास आ भी गया ना तो भाई हमको डरने कोई बात नहीं है। और गैस यार जब तक इस पहाड़ी से गैस अब नीचे जा रहे ना, जब तक गैस आप लोग यार इस वीडियो को लाइक कर दो। हाँ गैस यार आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से गैस, जाकर के यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और सिंचन अपनी कार तो भाई काफी ज्यादा स्पीड से जा रही है। अरे बेटी मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये गाड़ी मैंने खरीद ली। अरे हट जाओ बेवकूफ, मेरी गाड़ी के
आगे से हट जाओ, ये एक मॉन्स्टर कार है, मॉन्स्टर कार। जो भी बेटी इस कार के आगे आता है वो बचता थोड़ी ना है। अभी जाता हूँ फ्रैंकिल बेटी के घर पे और चल के उसे दिखा करके आता हूँ ये गाड़ी मैंने खरीद ली। वो कह रहा था मैं जिंदगी में कभी मॉन्स्टर कार खरीद नहीं सकता, लेकिन फाइनली ये मॉन्स्टर कार मैंने खरीद ली। और ये चेक करो, फ्रैंकिल बेटी के घर पे भी पहुंच गया। ए ये क्या देख रहे हो लॉक? आज से पहले तो कभी भी मैंने फ्रैंकिल बेटी के घर पे लॉक नहीं देखा, लेकिन आज पहली बार ये लॉक देख रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है फ्रैंकिल बेटी कहीं पे घूमने चली गया, लेकिन वो मुझे बिना बताए कहाँ जा सकता है? अरे हाँ, लेकिन घर पे चॉप तो होगा। ये काम करता हूँ, फटाफट से चले जाता हूँ और चल के चॉप को ही दिखा देता हूँ सरप्राइज। बहुत ही बढ़िया मेरे चॉप, तू कहाँ है? ये क्या चीज है? चॉप के घर के आगे ये क्या चीज रखी हुई है? ये तो बॉम्ब लग रहा है, और इधर भी बॉम्ब है। अरे बाबरे, ये कौन लोग है? लगता है ये चोर है। ये ले ये ले ये ले। अरे बाबरे, लगता है इन लोगों ने फ्रैंकिल बेटी के घर पे ये बॉम्ब लगाया होगा। बढ़िया, अच्छा हुआ मैंने गन निकाल ली थी, सही सही करके ठोक दिया इन लोगों को मैंने। अरे बाबरे, यहाँ पर बॉम्ब रखा है, अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो फ्रैंकिल बेटी का घर तो पूरा का पूरा चकनाचूर होगा। अरे लेकिन फ्रैंकिल बेटी लगता है चॉप को भी अपने साथ ले गया है। जल्दी करके फ्रैंकिल बेटी का पता लगाना होगा, आखिरकार वो गया तो गया कहाँ है? और मैं उसको सुबह से कॉल भी कर रहा हूँ, वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा। और मैं तो बेटी ये सोच रहा हूँ, अगर मैंने आज अपनी ये गन ना निकाली होती तो क्या होता, ये लोग तो मुझे भी मार देते। मैं गन इसलिए निकाल लेता हूँ फ्रैंकिल बेटी के घर में घुसने से पहले, ताकि चॉप मेरे को काट ना ले, क्योंकि चॉप हरामी है, कभी भी पैर को उधेड़ देगा। इसलिए चॉप को डराने के लिए मैं गन निकाल लेता हूँ, ताकि वो मेरे पैर को ना काटे। लेकिन आज गन निकालना काम आ गया। देखो सारे के सारे माफिया किस तरीके से लेटे हुए, सबको चकना चूर कर दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। चले फटाफट से पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा मेरे को। चल सिंचन, चल भाई, फटाफट से हमको गाड़ी में बैठना होगा और जल्दी से सिंचन समुद्र की तरफ निकलना होगा, और जाकर के भाई इस डॉल्फिन को गए समुद्र में छोड़ करके आना होगा। गए एक बार यहाँ पर चेक करो भाई, यहाँ पर ये कितना कम पानी है भाई, और इतने कम पानी में गए ये डॉल्फिन पड़ी हुई थी। वो तो अच्छी बात है गैस, हम यहाँ से भाई निकल लेते हैं। हमने देखा गैस यहाँ पर ये डॉल्फिन है और ये तड़प रही है, और साथ ही साथ में गैस अभी ये ना जिंदा है। जल्दी से गैस हमको भाई इसको समुद्र में छोड़कर आना होगा। अगर गैस सही टाइम पे भाई हम समुद्र पहुंच गए ना, तो गैस इसकी जान बच सकती है। सिंचन यहाँ से समुद्र पता नहीं कितनी दूर होगा, मेरे ख्याल से फ्रैंकिल भाई यार सामने ही तो है समुद्र, वो देखो। अरे बहुत ही बढ़िया गैस, मजे आ गए यार। तो मैं समझ गया गैस, जिस पानी में भाई ये लेट हुई थी ना, यहाँ पर गैस जितना पानी था वो सारा का सारा सूख गया, और ये बेचारी भाई सूखे पानी में थी। और लो डॉल्फिन भाई, पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे। और गैस अभी इसकी हालत थोड़ी बहुत खराब है, मुझे लगता है गैस इसको समुद्र तक भी भाई मेरे को ही छोड़ के आना होगा। लेकिन कोई टेंशन नहीं गैस, बीच में इसको छोड़ के आऊंगा, उसके बाद ये खुद ही टहल लेगी। सिंचन मुझे लग रहा है भाई ये जो डॉल्फिन है ना, ये काफी ज्यादा दिनों से यार भूखी होगी, क्योंकि गैस इस टाइम भाई ये काफी ज्यादा हल्की लग रही है। भाई यूं ही गैस मैंने इसको उठा लिया। अरे हाँ फ्रैंकिल भाई, ये रही वहां पर, क्या पता कितने दिनों से पड़ी हो और इसने कुछ भी खाया पिया ना हो। चलो गैस जल्दी जल्दी अंदर लेकर के चलता हूँ, उसके बाद तो गैस ये डॉल्फिन काफी हैप्पी हो जाएगी। बढ़िया, आई थिंक यहाँ पर मेरे को छोड़ देना चाहिए क्या इसको, या फिर गैस थोड़ा और अंदर चलते हैं, जब तक गैस ये डूब नहीं जाती, जब तक इसको छोड़ूंगा नहीं, ये जगह गैस एकदम परफेक्ट रहेगी। तो यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, इतना सारा पानी, मजा ही आ गया। मुझे लगता है दोबारा से मैं पानी के अंदर आ चुकी, बहुत बढ़िया। मुझे पूरे के पूरे 24 घंटे हो गए थे, 24 घंटे से मैंने पानी देखा नहीं था, लेकिन अभी मुझे पानी में आकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन आखिरकार मेरी जान बचाई तो बचाई किसने? कोई तो था। मैं बहुत ज्यादा बेहोशी की हालत में थी, लेकिन मैंने फिर भी देखा, कोई तो था। मैं एक काम करती हूँ, उसको फटाफट से अपनी पावर देती हूँ, जिससे वो अपनी न्यू लाइफ स्टाइल बना सके और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो। मैं उसके पास जाकर उसको खुश तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अपनी पावर देके उसे मैं जरूर खुश कर सकती हूँ, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। अगर आज मैं मर जाती तो मेरा क्या ही होता, और फिर मैं अपनी पावर का क्या ही करती। तो एक काम करती हूँ, अपनी सारी पावर उसके नाम कर देती हूँ, जिसने आज मेरी जान बचाई। चलो गाइस फाइनली भाई मैंने उस डॉल्फिन को तो छोड़ दिया। चल सिंचन, चल निकलते हैं फटाफट से अपनी ट्रिप के लिए। वैसे भी सिंचन हम काफी ज्यादा लेट हो रहे हैं, अब तो सिंचन हम भाई रात को ही पहुंच पाएंगे। अरे फ्रैंकिल भैया, मैं क्या कह रहा हूँ यार, मेरे को भी एक बार पानी में नहाना है। अब बात अब सिंचन, तेरे को पानी में नहाने की पड़ी है, बात अब हमको निकलना है फटाफट से, ताकि बात अब हम अपने घर जल्दी पहुंच सके। अबे चॉप के बच्चे, तुझे घर जाने की पड़ी है, लेकिन भाई अपनी गाड़ी के साथ ये क्या हुआ? एक सेकंड सिंचन, अपनी गाड़ी तो गाइस ग्रीन कलर की थी, लेकिन भाई ये कौन से कलर में कन्वर्ट होगी? और भाई ये तो काफी ज्यादा चमक रहा है भाई सिंचन, ये कोई कलर वरल नहीं है भाई, ये भाई डायमंड है, डायमंड। अरे लेकिन हमारी गाड़ी डायमंड में कैसे कन्वर्ट होगी? मुझे क्या पता सिंचन कैसे कन्वर्ट होगी भाई। अब बात सबको ले, कुछ तो गड़बड़ है बात सब, मुझे लगता है भूत है। अरे नहीं फ्रैंकिल भाई, कोई भूत भूत नहीं है। रुक सिंचन रुक भाई, आसपास कोई गाड़ी दिख रही है क्या तेरे को? नहीं गैस कोई नहीं दिख रही है। काम करता हूँ गैस, सामने ही रोड है, फटाफट से चल के गैस वहाँ पर ट्राई करते हैं किसी और गाड़ी में बैठ करके। मुझे सिंचन भाई कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ये गाड़ी भाई ऑटोमेटिक यार डायमंड में कैसे कन्वर्ट हो सकती है? बढ़िया गैस पहुँच गए भाई, यहाँ पर मेरे को गैस किसी की गाड़ी छीननी होगी, और गैस उसकी गाड़ी
गाड़ी में बैठ करके देखना होगा कि भाई उसकी गाड़ी भी भाई डायमंड में कन्वर्ट हो रही है क्या। अरे यार यहाँ पर गए दो बंदे जा रहे हैं। हेलो एक्सक्यूज मी भाई, तुम्हारे पास कोई गाड़ी वगैरह है क्या? क्या कहे गाड़ी? अरे हमारी गाड़ी से तुझे क्या करना है, हम किसी अनजान को गाड़ी नहीं देते। अरे यार ये तो भाग गया। अरे रुक जा भाई, हेलो हेलो, नहीं रुक रहा गैस, नहीं रुक रहा। और वो बंदा भी भाग गया। सिंचन देखियो कैसे भाग रहा है। चलो गैस फाइनली सामने से गाड़ी आ रही है, इसको तो गैस मैं बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। इसके आगे गैस यार मैं ना अपनी गाड़ी लगा दूंगा ताकि गैस इसका रास्ता ब्लॉक हो जाए, उसके बाद तो ये जा ही नहीं पाएगा। अरे हाँ एकदम ओपी आइडिया, ओपी, फटाफट से फ्रेंगल पे इसको बाहर निकालो। हेलो गंजे भाई फटाफट से बाहर निकलो, आपकी गाड़ी की मेरे को नीड है। वैसे आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है, कहीं अच्छी समझ लो। चलो गैस ये बंदा तो भाग गया और इसकी गाड़ी मेरे को मिल चुकी है। और ये चेक करो गैस, ये कार भी भाई डायमंड में कन्वर्ट होगी। तो सिंचन भाई समझ रहा है ना तू? अरे हाँ समझ गया फ्रेंगल भाई, यार तुम्हारे अंदर कोई पावर एक्टिवेट होगी। फिर फ्रेंगल भाई यार तुम जिस भी गाड़ी को टच कर रहे हो यार वो गाड़ी यार डायमंड में कन्वर्ट हो रही है, तो फटाफट से बैठना सिंचन। तो चलो अब तुझे घर जाने की काफी जल्दी थी ना, तो एक काम करते हैं सिंचन, हम चलते हैं भाई घर ही। अब तो सिंचन भाई हम ट्रिप भाई कभी भी कर सकते हैं। सिंचन भाई ये जो मेरे अंदर पावर पता नहीं कहाँ से एक्टिवेट हो गई, ये काफी अल्टीमेट लेवल की पावर है। अरे हाँ फ्रेंगल भैया मैं भी वो जो सोच रहा हूँ, तुम भी वही सोच रहे हो क्या? मैं तो सिंचन पता नहीं भाई अब क्या क्या सोच रहा हूँ, तेरा नहीं पता सिंचन तू क्या सोच रहा है। अरे मैं तो फ्रेंगल भैया यार बहुत अल्टीमेट लेवल की चीज सोच रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है फ्रेंगल भैया मेरे पास यार चार चार रिमोट कंट्रोल कार है, तुम घर पे चलो और चारों को यार टच करके यार उनको भी डायमंड में कन्वर्ट कर दो। अरे सिंचन भाई अभी भी भाई तू छोटा ही सोच रहा है, सिंचन कुछ बड़ा सोच भाई कुछ बड़ा। गैस हमने फटाफट से घर पे चलते हैं और घर पे चल के गैस मैंने लैश को बुलाऊंगा। हमारे लैश के पास गैस काफी सारे बिजनेस आइडिया होते हैं गैस, इस मैजिक पावर की वजह से गैस हम ना काफी ज्यादा अमीर बन सकते हैं। मुझे लगता है सिंचन हम आज ही आज सिंचन 100-200 करोड़ के मालिक बनने वाले हैं। तो गैस अभी पूरा का पूरा यार 1 घंटे बीत चुके हैं, पिछले 1 घंटे में गैस ये कार जो मैंने भगाई है ना भाई वो तो मैं ही जानता हूँ और सिंचन जानता है। अब बात सब जो तूने कार भगाई है ना उससे बात सब मेरे मुंह की बात सब हालत ही खराब होगी। अरे जब चुप हम देर से बोलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ जाए, जब तक तुझसे बैठा नहीं जाता है। और लो भाई ये रही गैस हमारी गली और हम पहुंच चुके हैं भाई अपनी इस कार को लेकर के। मैंने गैस बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि भाई आज की आज गैस हम अपनी ट्रिप खत्म करेंगे और भाई अपने घर पर पहुंचेंगे और ब्रेक भाई ब्रेक ही नहीं लग रहे गैस। चलो भाई पहुंच गया, अब सिंचन भाई जल्दी से चाबी निकाल के लाता कि सिंचन लॉक को खोले। ओ वेट ये क्या हुआ भाई, यहाँ पर कौन सा मैजिक हुआ है गैस? ये तो काफी ज्यादा यूनिक मैजिक हो गया, ये चेक करो गैस। भाई गेट गायब हो गया और गेट गायब होकर के गैस यहाँ पर डायमंड में कन्वर्ट हो गया भाई गेट भी। ये तो गैस कुछ अलग ही मैजिक देखने को मिल रहा है भाई मेरे को। भाई लेकिन गेट कैसे हो सकता है भाई डायमंड में कन्वर्ट? ऐसे तो गैस भाई मैं किसी भी चीज़ को टच करूंगा तो वो भी डायमंड में कन्वर्ट होगा क्या? जैसे गैस यहाँ पर ये गमले लगे हुए हैं, इनको टच करूंगा तो ये भी डायमंड में कन्वर्ट होंगे। लेट्स सी गैस, ट्राई करके देखते हैं। ओके ये मैंने टच करा लेकिन वेट कुछ भी नहीं हुआ गैस। लेकिन ये हुआ कैसे गैस, मेरे को समझ नहीं आ रहा गेट क्यों कन्वर्ट हो गया यार। चलो गैस दूसरे गेट को टच करके देखते हैं। यहाँ पर गैस एक और गेट है और ये मैंने इसको टच करा और ये भी गैस यार डायमंड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो आखिरकार वही गेट गैस डायमंड में क्यों कन्वर्ट हुआ? चलो गैस एक काम करते हैं भाई, नीचे भाई काफी सारी चीजें हैं मेरी घर में गैस, उनको और टच करके देखता हूँ। तो लेट्स सी गैस इसको टच करते हैं। ओह तो गैस अब मेरे समझ आया आखिरकार भाई ये ट्रिक किस तरीके से काम करती है। गैस अभी जब भाई मैंने उस चीज को टच करा तो गैस मैंने अपने माइंड में भाई डायमंड के बारे में सोचा, तो गैस तुरंत ही भाई वो चीज हो गई भाई डायमंड में कन्वर्ट। तो ठीक है गैस मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये टच करा और ये देखो गैस, ये देखो भाई, ठीक है गैस ये चीज देखी, अब ये चीज देखो ये मैंने टच करा, देखो भाई ये नहीं हुआ ना डायमंड में कन्वर्ट, क्योंकि गैस मैंने अपने माइंड में भाई डायमंड के बारे में सोचा नहीं, तो क्यों कन्वर्ट होगा? जिस भी चीज को गैस मैं टच करूंगा बस मेरे को डायमंड के बारे में सोचना है और फिर गैस वो चीज हो जाएगी डायमंड में कन्वर्ट। जैसे गैस यहाँ पर चॉप बैठा है, तो ठीक है भाई चॉप तेरे को कर पाता हूँ भाई डायमंड में कन्वर्ट। ओ बात सब प्लीज बात सब मेरे को छोड़ दे। अरे नहीं चॉप तेरे को डायमंड में क्यों कन्वर्ट करूंगा, मैं पागल थोड़ी ना हूं। तो चलो गैस चलो भाई अब टाइम है अमीर होने का, और गैस ऐसा वैसा अमीर होने का नहीं भाई, एक अल्टीमेट लेवल का भाई अमीर होने का। गैस आज आज में भाई मेरे को इतना अमीर होना है कि गैस अपने लॉस सैंटोस में इतना अमीर कोई होगा नहीं। जैसे ही गैस इतना अमीर होकर के गैस पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ही खरीद लूंगा। लॉस सैंटोस में गैस जितनी भी बिल्डिंग है वो मेरी बिल्डिंग होंगी, जितने भी घर हैं वो सारे के सारे घर मेरे होंगे, और तो और लॉस सैंटोस में गैस जितनी भी गाड़ियां चलती है ना वो सारी की सारी भाई गाड़ियां भी मेरी हो जाएंगी। लेकिन गैस यार उसके लिए मेरे को करना क्या होगा? उसके लिए गैस मेरे को चाहिए भाई काफी सारा कवाड़ा। हाँ गैस मेरे को काफी सारी यार वेस्ट चीजें चाहिए जिनको गैस मैं टच करके भाई डायमंड में कन्वर्ट कर सकूं और उसके बाद गैस मैं डायमंड को बेच करके पैसा बना सकूं। और जैसे ही गैस मेरे पास पैसा आएगा ना उसके
बाद धीरे धीरे करके गाइस मैं सारी की सारी चीज खरीद लूंगा और पूरे लॉस सैंटोस को गाइस अपना बना लूंगा। हाँ गाइस, आज पूरे लॉस सैंटोस को गाइस अपना बनाना है भाई मेरे को, हर एक घर हर एक गाड़ी। तो भाई अगर मैं सिंचन को बताऊंगा तो सिंचन को तो भाई मेरी बात पे विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन गाइस सिंचन को मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा। अरे गाइस यार मेरे को तो विश्वास भी नहीं, गाइस जो यहाँ पर अभी डायमंड था वो गाइस अभी मैंने हैंड टू हैंड बेचा और उसके बाद देखो गाइस मेरे को कितने सारे पैसे मिले। यहाँ पर देखो गाइस कितना ही सारा पैसा यार, मैं तो गाइस अकेले गिन भी नहीं पाऊंगा। फटाफट से फ्रैंकल बैग को बुलाता हूँ, उसके बाद हम साथ में गिनेंगे। अभी गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था, फ्रैंकल बैग ने जैसे गेट को कन्वर्ट करा, मतलब गेट को टच करा, उसके बाद गेट हो गया डायमंड में कन्वर्ट। और उसके बाद ये अमीर भाई साहब हमारे घर के बाहर से जा रहे थे, मैंने इनको रोका और भाई इन्होंने डायमंड को खरीद लिया और इनके पास गाड़ी में इतना सारा पैसा था, ये सारा का सारा पैसा दे दिया। थैंक यू अंकल, थैंक यू। बेटा थैंक यू की तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास ये डायमंड कहाँ से आया बस मुझे बता दो एक बार। आखिरकार तुम्हारे पास और डायमंड है क्या? उसे भी मैं खरीद लूंगा। अरे क्यों नहीं भाई, बहुत डायमंड है, तुम यहाँ पर रुको, मैं फटाफट से फ्रैंकल बैग को बुलाता हूँ। उसके बाद गाइस फ्रैंकल बैग ऐसे गाइस और भी चीजों को टच करेंगे और ये चेक करो नीचे गाइस मेरे को और भी डायमंड दिख रहा है, ये देखो ये रहा डायमंड गाइस। जल्दी से इस डायमंड को भी भेज देता है समीर आदमी को, इसके पास तो लगता है बहुत ही सारा पैसा है। और गाइस डायमंड तो सच में बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, लेकिन फ्रैंकल भैया घर में नहीं दिख रहे। फ्रैंकल भैया किधर हो यार तुम? अरे यार सर आप तो बता रहे थे कि भाई इस लोकेशन पे सबसे ज्यादा कूड़ा रहता है, पूरे लॉस सैंटोस का कूड़ा भाई यहीं पर आता है, लेकिन भाई यहाँ पर तो ज्यादा कूड़ा नहीं है सर। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर काफी ज्यादा कूड़ा है गाइस। अगर मैंने ये सारे कूड़े को भी भाई डायमंड में कन्वर्ट करके बेच दिया ना तो मेरे पास गाइस काफी पैसा आने वाला है। और साथ ही साथ में गाइस मेरा दिमाग चेक करो, जब गाइस मैं इस लोकेशन पे आ रहा था ना तो गाइस मैं भाई बढ़िया करके इस बिजनेसमैन को भी अपने साथ लेकर के आ गया। देखो तुम यहाँ पर खुद नहीं आए, तुमको मैं लेकर के आया हूँ। अरे लेकिन सर मैं तो एक ऐसी जगह को ढूंढ रहा था जहाँ पर भाई मेरे को काफी सारा कूड़ा मिल सके, तो मैंने सोचा कि वहां पर जाने से पहले आपको बुलाते हैं, तो आपने मेरे को इस लोकेशन के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कूड़ा नहीं है। अरे मैं भी तो देखूं आखिरकार तुम इस कूड़े को कैसे डायमंड में कन्वर्ट करोगे, मुझे तो लग रहा है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अरे सर मजाक नहीं कर रहा यार मैं, चलो तुमको डायमंड में कन्वर्ट करके दिखाई देता हूँ, उसके बाद आई थिंक तुमको मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने इस कूड़े को डायमंड में कन्वर्ट कर दिया तो मैं तुमको करीबन 10,000 करोड़ रुपए दूंगा, वो भी हैंड टू हैंड फ्री में। क्या बात कर रहे हो, फ्री में 10,000 करोड़? चलो ठीक है ये तो अच्छी बात है। और उसके बाद जब डायमंड बेचूंगा फिर? अरे डायमंड के हिसाब से पैसे दूंगा फिर तो ठीक है गाइस, ये तो काफी अच्छी बात है। ये मैंने टच करा और लो भाई कर लो चेक, ये क्या है एक बार देखना अपनी आंखों से। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये डायमंड कहां से आ गया? ये डायमंड आ गया भाई कूड़े को टच करने से। चलो अच्छी बात है गाइस, अब यहां पर जितना भी भाई मैं डायमंड लूंगा ना वो उसके पैसे तो मेरे को मिलेंगे मिलेंगे, और अलग से गाइस फ्री में भाई 10,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इस बात पे तो गाइस आप लोग यार वीडियो को लाइक कर ही दो। हाँ गाइस अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करता यार जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ना भाई सिंचन को सरप्राइज दूंगा। हाँ यार फटाफट से गाइस जल्दी जल्दी यार पैसे कमाता हूँ और पूरे लॉस सैंटोस को खरीद लेता हूँ, उसके बाद सिंचन को भाई मैं आज की यार सरप्राइज देने वाला हूँ। तो गाइस अभी पूरे के पूरे यार 2 घंटे बीत चुके हैं और 2 घंटे के अंदर अंदर गाइस यहाँ पे जितना भी गाइस कूड़ा था सबको टच करके गाइस मैंने डायमंड में कन्वर्ट करा। उसके बाद गाइस वो बंदा यहाँ से सारा डायमंड ले जा चुका है और मेरे को गाइस उसने पेमेंट भी कर दिया और साथ ही साथ में यार उसने मेरे को फ्री में ये हेलीकॉप्टर भी दिया है। तो गाइस मुझे लग रहा है भाई आज की आज गाइस मैं पूरे लॉस सैंटोस को तो नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन गाइस कुछ भी हो जाए भाई मैं खरीद के तो रहूंगा, क्योंकि गाइस आप लोग खुद ही देखो जब इतने से कूड़े को गाइस यार मेरे को 2 घंटे लग गए भाई डायमंड में कन्वर्ट करने में, तो गाइस मेरे को तो पूरा लॉस सैंटोस खरीदना है तो भाई मेरे को काफी टाइम लगने वाला है यार, तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे गाइस मैं जल्दी से जल्दी यार पूरे लॉस सैंटोस को खरीद सकूं। तो क्या करूं गाइस, क्या करूं, एक काम करता हूं गाइस मैं ना लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के पास चलता हूं और जाकर के गाइस प्रेसिडेंट को बताता हूं भाई अपने बारे में कि भाई मेरे अंदर एक मैजिक पावर एक्टिवेट हुई है जिससे भाई मैं जिस भी चीज को टच करता हूं वो होती है भाई डायमंड में कन्वर्ट। हां यार ये सही है, और फिर मैं उसके आगे गाइस डील रख दूंगा कि भाई मैं तेरे को बना दूंगा काफी ज्यादा अमीर और बदले में मेरे को भाई पूरा लॉस सैंटोस चाहिए, तो उसके बाद गाइस पूरा लॉस सैंटोस गाइस मेरे को मिल जाएगा। हां गाइस लॉस सैंटोस में आप यार ये नीचे जितनी भी जमीन देख रहे हो ये सारी की सारी भाई मेरी हो जाएगी। तो लेट्स गो गाइस, निकलता हूं भाई अपने इस हेलीकॉप्टर को लेके फटाफट से गाइस प्रेसिडेंट के पास और चल के गाइस प्रेसिडेंट से करते हैं भाई बात। और गाइस मैं अब बताता हूं आपको आखिरकार गाइस जितना भी भाई डायमंड था वो सारा बेचने पर मेरे को कितना पैसा मिला। मेरे को गाइस पूरे के पूरे भाई 550,000 करोड़ रुपए गाइस मेरे को मिले भाई 550,000 करोड़, पता नहीं गाइस कितना ही अमाउंट होता है। तो गाइस कैश में तो अपनी डील हो नहीं पाती, इसलिए गाइस उसने सारा का सारा पैसा गाइस मेरे बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया। सच में यार काफी बड़ा बिजनेसमैन था वो बंदा। अरे लगता है गाइस मैं तो यार सो गया था, और देखो यार शाम भी होगी, लेकिन गाइस कुछ भी कहो नींद तो मेरे को बहुत अच्छी आई, लेकिन फ्रैंकल भैया अभी भी मेरे को दिख नहीं रही घर में। लगता है फ्रैंकल भैया अभी भी नहीं आए यार, ये चले कहाँ गए यार बिना बताए। फ्रैंकल भैया तुम घर आ गए क्या? नहीं आए गए
गैस अगर आती ना तो पक्का ये सबसे पहले मेरे को उठाती। ये देखो गैस, जो भी फ्रैंकल घर पे यार डायमंड बना के गए थे ना, उस डायमंड को बेच करके गैस मैंने इतना सारा पैसा तो कमा लिया घर में। यार इतना सारा पैसा गैस मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। पता नहीं फ्रैंकल भैया कहाँ है इस खुशी के मौके पर, और साथ ही साथ में घर में मेरे को चब भी नहीं दिख रहा। पता नहीं दोनों के दोनों कहाँ चले गए यार, कहीं जाते हैं तो बता के तो जाना चाहिए ना इनका। यार देखना शाम होगी और थोड़ी देर में रात हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो गैस पूरी रात फ्रैंकल भैया घर पर ना आए, फिर मैं कहाँ पर सोऊंगा रात को गैस घर में, मुझे लगेगा डर पता नहीं कहाँ चले गए। अगर गैस आप लोगों को कुछ फ्रैंकल भैया के बारे में पता है तो प्लीज़ यार मुझे बताओ कमेंट करके। हाँ गैस यार जल्दी से कमेंट करो और बताओ मेरे को फ्रैंकल भैया है कहाँ पे, कहीं खोता नहीं गई यार, कोई दिख भी नहीं रहा रोड पर लगता है। गैस सारे के सारे बंदे अपने घर पर चले गए क्योंकि रात हो रही है ना, सब लोग सो रहे होंगे। तो फाइनली गैस जो मेरा एम था गैस वो मैंने भाई कंप्लीट कर लिया है, और गैस तुम्हारा भाई बन चुका है भाई पूरे लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ में गैस पूरा लॉस सैंटोस भाई मेरा हो चुका है। लॉस सैंटोस में गैस हर एक घर हर एक बिल्डिंग भाई मेरी हो चुकी है, और साथ ही साथ में गैस लॉस सैंटोस में जितनी गाड़ियां थी ना वो सारी की सारी गाड़ियां भी भाई मैंने परचेज कर ली है। तो मैं अब आपको बताता हूँ गैस आखिरकार ये सब हुआ तो हुआ कैसे। मैं गैस फटाफट से पहुंचा प्रेसिडेंट के ऑफिस, और यहाँ पर आकर के गैस मैंने प्रेसिडेंट को भाई अपने बारे में सब बता दिया। तो प्रेसिडेंट ने क्या करा गैस पूरे लॉस सैंटोस में लगा दिया है भाई लॉकडाउन। लॉस सैंटोस के अंदर गैस पूरे के पूरे 24 घंटे तक ना तो कोई बाहर निकल सकता और ना ही गैस कोई गाड़ी में घूम सकता। हाँ गैस सिंपल सी बात है, जब कोई बाहर नहीं निकलेगा तो भाई गाड़ी में कैसे घूमेगा। इसलिए गैस एक बार रोड पर नजर मारो गैस, रोड पर भाई आपको एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ी के अलावा। और साथ ही साथ में गैस अपने प्रेसिडेंट ने गैस सबको बोल दिया कि भाई तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा लॉस सैंटोस खाली हो जाना चाहिए और तुम लोग लॉस सैंटोस को छोड़ के दूसरी सिटी में चले जाओ, और उसके बदले में गैस उन लोगों को मिलेंगे भाई करोड़ रुपए। हाँ गैस लॉस सैंटोस के अंदर जितने भी लोग रहते हैं ना सबको मिलने वाले हैं भाई करोड़ रुपए। तो ये हुई है गैस डील, और साथ ही साथ में गैस अपने पूरे लॉस सैंटोस में अब सिर्फ मैं सिंचन चौप और साथ ही साथ में गैस प्रेसिडेंट रहा करेगा। तो बढ़िया डील है गैस, और साथ ही साथ में गैस मैं अपने दोस्तों को भी रखा करूंगा गैस अपने लॉस सैंटोस में। यार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा गैस इतनी ज्यादा जल्दी गैस मैंने पूरे लॉस सैंटोस को खरीद लिया, अभी तो गैस रात भी नहीं हुई है। चलो गैस फटाफट से अब मैं घर भी पहुंचने वाला हूँ, चल करके गैस सिंचन को बताते हैं और देखते हैं भाई सिंचन का क्या रिएक्शन होगा। और गैस आप लोग मेरे को यार कमेंट करके बताओ आखिरकार गैस अब मेरे को भाई लॉस सैंटोस के अंदर करना क्या चाहिए, क्योंकि गैस पूरा लॉस सैंटोस मेरा हो चुका है। अब मैं किसी भी घर में जा सकता हूँ, किसी भी दुकान में जाकर के गैस जो मर्जी खरीद सकता हूँ। और ये चेक करो गैस फाइनली भाई मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर पर, और ये निकल गया गाड़ी में से। लेट्स सी देखते हैं आखिरकार ये सिंचन किधर है। हेलो सिंचन भाई तू है किधर भाई, देख मैं आ गया घर पे। और सिंचन तेरे को भाई मैं जैसे ही बताऊंगा ना तू तो भाई खुशी के मारे नाचने वाले। ओ वेट ये पैसा घर में कहां से आ गया। ए फ्रैंकल भाई तुम आ गए। अरे लेकिन फ्रैंकल भाई सजीदस की कहां से आ रही है, शादी में गए थे क्या मुझे बिना बताए। सिंचन के बच्चे शादी में नहीं गया था तूने सिंचन लॉस सैंटोस में कुछ नोटिस करा। नहीं फ्रैंकल भाई कुछ भी नोटिस नहीं करा। सिंचन अब तू बाहर जाकर के देख सिंचन तेरे को कोई भी नजर नहीं आने वाला। अरे हाँ ये चीज तो नोटिस करी मैं फ्रैंकल भाई, अभी बहुत देर से यार गली में खड़ा था लेकिन गाड़ी में ना एक भी गाड़ी इधर से उधर नहीं चल रही, और बहुत ज्यादा शांति भी है ना, तो पड़ोसी के घर से आवाज आ रही और ना ही किसी के घर से आवाज आ रही, और ना ही सिंचन भाई अब कभी आवाज आएगी क्योंकि सिंचन अब भाई मैं बन चुका हूँ सिंचन पूरे लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ में सिंचन पूरा लॉस सैंटोस मेरा हो चुका है। अरे लेकिन ये कैसे हुआ ये सब सिंचन मैं तेरे को बताता हूँ। और गाइस अगर आप लोग इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो फटाफट से गाइस कमेंट करके बताओ। हाँ गाइस यार कमेंट में फटाफट से पार्ट टू लिख दो। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकलिन सिंचन आपके भाई, तो यार फटाफट से गाइस अभी के भी यार इस वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब गाइस प्यारा वाला बाय।